तो ये है देखो, थर्ड बिट बॉस जॉर्डन मेथड। ओके, तो इसके लिए इक्वेशंस क्या है आपके पास? एक्स माइनस वाई प्लस बी जेड इज इक्वल्स टू 5। ओके, 4x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल्स टू 0 माइनस एक्स प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5। ओके, तो इसको ना अपन ये लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म में लिख देंगे। सो लेट अस राइट दिस इन मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म। तो मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म में लिखे तो ए के क्या रहेंगे बोलते हैं, पूरे कोएफिशिएंट कितना, 1 माइनस माइनस 3 4 4 2 माइनस 1 माइनस वन माइनस वन थ्री वन। फिर उसके बाद में जो है सो फाइव कैपिटल एक्स एक्स वाई जेड। फिर क्या है इक्वल टू के साइड वाले 5 0 5 5। ओके, तो सबसे पहले ना देखो ये गॉस सीडल मेथड में अपने करते क्या बोले तो 4 कॉलम्स रहेंगे। ओके, ऐसा तो इसमें क्या रहेगा बोले तो यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 0 1, ये 0 0 0। यहाँ पर जो है सो अपने को x की y की और z की वैल्यू आ जाए। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बोले तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। तो ऑगमेंटेड मींस ये 3 जो कॉलम्स है, ओके, इसके अंदर एक कॉलम ऐड कर लेंगे। तो ऐड कर दी, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। चलिए एग्जाम में डेफिनेशन अभी लिखना पड़ता है 7 मार्क्स के लिए। नहीं नहीं डेफिनेशन वगैरह कुछ भी नहीं लिखना पड़ता, ये सीधा डायरेक्टली स्टार्ट कर देना। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 1 माइनस 1 3 और ये 5 5 4 2 2 माइनस 1 0 और 0 माइनस 1 3 1 5। ओके, क्या बोला था, पहला टारगेट क्या है अपना, इसको जो है सो 1 बनाना। इट्स ऑलरेडी 1, ये पहले से 1 है तो अपने को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी मदद से अपने को सेकंड वाले को और थर्ड वाले को 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है और इसको भी 0 बनाना है। ओके, यस सर। तो अगर अपने को 0 बनाना है तो 4 में मैं क्या ऐड करूं या क्या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे को 0 आता। 4 सब्ट्रैक्ट करना। ओके, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे R, किसमें से किसको 0 करना है अपने को, सेकेंड रो। तो R2 लिख लेंगे अपन। R2 क्या है, 4 2 माइनस 1 0 जीरो, और R1 जो है सो ओनली 1 है यहाँ पर, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 से, माइनस 4 R1। तो करे तो क्या आता है, ये 4 वन जा 4 माइनस इट माइनस प्लस 4 वन जा 4 4 3 जा 12 4 5 जा 20। ओके, सो 4 माइनस 4 0, 2 प्लस 4 6 माइनस 13 माइनस 20 13 माइनस 20 ये आ गया। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये चेंजेस कर देंगे, नहीं तो नहीं पहले इधर लिखेंगे ऐसा
कि क्या चेंजेस कर रहे हैं अपन। तो चेंजेस क्या कर रहे हैं अपन, किसको चेंज कर रहे हैं, आर टू को चेंज कर सेकंड रहे ब्रो, हैं। कैसा चेंज कर रहे हैं, आर टू लिख के माइनस फोर आर माइनस वन। आर वन फोर ओके आर वन ओके सर नेक्स्ट। अब क्या करेंगे, आर थ्री को चेंज करना है अपने। आर थ्री है क्या, माइनस वन है, तो माइनस वन माइनस थ्री वन क्या फाइव ऐड करे तो या क्या सब्ट्रैक्ट करे तो वो जीरो बन वन माइनस करे तो प्लस जाता है, प्लस वन। वन ओके तो सीधा सीधा अपन आर वन रख सकते हैं। सो आर वन, सो वन माइनस वन थ्री फाइव। राइट तो क्या करना है अपने को, सिंपली ऐड करना है टू ये 3 माइनस 1 2, 1 प्लस 3 फोर 4, और ये तो यहां पर भी हम ऐसे लिखेंगे, किसको चेंज कर रहे हैं, आर थ्री को। आर थ्री आर थ्री को कैसा चेंज कर रहे हैं, आर वन को ऐड करके। माइनस आर थ्री प्लस आर वन ओके तो जो चेंजेस आए हुए हैं उसको हम आपको सब्सटीट्यूट वन करेंगे। पहले तो फर्स्ट माइनस प्राइम इज वन नॉट थ्री गोइंग टू चेंज, सो थ्री फाइव फाइव जीरो सिक्स जीरो सिक्स सिक्स माइनस माइनस थर्टीन थ्री माइनस माइनस, ट्वेंटी और है ये जीरो टू फोर टू टेन ओके। अब अपना यस सर दूसरा टारगेट ये है कि वी वन हैव बनाना टू 6 to 1। यस सर ओके अगर यस सर सिक्स अगर अपन बना सकते तो वेरी गुड, लेकिन अगर नहीं बना सकते, यहाँ पर देखो जरा थोड़ा टफ हो जा रहा है इसके लिए। क्यों टफ हो जा रहा बोले तो, अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर रहा हूं तो 1 मिलता, लेकिन क्या ये हाँ सर 13 डिजिट है, क्या यस ये सर 13 नहीं है, तो ये 20 डिजिट है नहीं है, तो इधर अपने को हाँ फेल सर हो जाता, अच्छा नहीं है ये। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे बोले तो, वी आर गोइंग टू यूज आर थ्री इंस्टेड ऑफ यूजिंग आर टू, हम वन क्या यूज करेंगे, आर थ्री आर थ्री यूज कर लेंगे। तो आर थ्री यूज करने से क्या हो जाता बोले तो, क्योंकि ये आर थ्री में देखो, अगर मैं इसको 1 बनाना चाह रहा हूं तो किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो अगर मैं 2 से यस डिवाइड सर कर रहा हूं, क्या ये भी 2 से डिविजिबल है, हाँ सर यस। क्या ये भी 2 से डिविजिबल है, यस। हाँ सर सर तो इसीलिए मुझे हम टू को जीरो बनाना है सर क्या बोले, 2 2 को 0 बनाना है ना सर को 0 नहीं बनाना है जी। एक मिनट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा मैं स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, पहले इरेज कर देंगे ये। हम सबसे पहले क्या करेंगे बोले तो, यहां पर ये आर थ्री को आर टू से इंटरचेंज करेंगे। अच्छा लेट अस चेंज आर टू एंड आर थ्री, इन लोगों को यस सर इंटरचेंज करेंगे। तो इन लोगों को इंटरचेंज करें तो क्या हो जाता, वन माइनस माइनस सर वन थ्री फाइव जीरो टू फोर टेन माइनस जीरो टेन जीरो सिक्स सिक्स माइनस थर्टीन माइनस 13 माइनस 20। यस सर अब बोलो इसमें डाउट है, नहीं सर अब अपन क्या करेंगे, आर टू को डिवाइड करेंगे। सो लेट अस यस डिवाइड सर आर टू बाय बाई टू तो आर टू से अगर हम डिवाइड करें तो ये इजी है, इसीलिए मैं डायरेक्टली लिख ले रहा हूँ, 1 माइनस 1 थ्री फाइव फाइव जीरो जीरो माइनस टू बाई टू वन फोर टू बाई फाइव टू टू फाइव जीरो सिक्स जीरो थ्री या चलते माइनस थर्टीन माइनस ट्वेंटी ये समझ में आ गया। यस सर अब क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस वन
ये वन की मदद से हम क्या करेंगे, रो वन में सेकंड एलिमेंट को और रो थ्री में सेकंड एलिमेंट को जीरो बनाएंगे। ओके, यस सर। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये माइनस वन है ना, तो उसको लिख लेंगे अपन पहले रो वन लिखेंगे, वन माइनस वन थ्री फाइव, और रो क्या है ये, रो टू। तो रो टू को क्या यस सर। करना पड़ेगा अपने को, जस्ट ऐड करना पड़ेगा। ओके, हाँ सर। तो रो टू क्या है बोलो, जीरो जीरो वन वन टू फाइव टू फाइव, वन वन जीरो फाइव जीरो फाइव टेन। सर। ओके, अब नेक्स्ट बोलो सिक्स में क्या ऐड करना पड़े बोलो। वो जीरो ऐड करे तो जीरो चल जा रहा ना सर, मगर कौन सा जीरो, रो टू का रो टू का, ये किसको चेंज कर रहे हैं तुम, ये रो वन है, ये अब रो वन नहीं बन जाएगा ये। रो वन भी चेंज कर रहे हो। ओके सर। अब नेक्स्ट रो थ्री, सो रो थ्री क्या है, जीरो सिक्स सिक्स माइनस थर्टीन माइनस 13 माइनस 20 माइनस 20। अब जीरो इसमें वन बोलो, टू फाइव रो टू नहीं से नहीं ऐड करना। नहीं सिक्स को अगर मेरे को जीरो बनाना है तो किस क्या चीज में ऐड करूं, क्या चीज में सब्ट्रैक्ट करूं, सिक्स सिक्स मेरे को इनटू सब्ट्रैक्ट करना है, इनटू सिक्स तो माइनस सिक्स। माइनस सिक्स ओके, तो सिक्स जीरो यस सर। जा जीरो, जीरो सिक्स वन जा माइनस सिक्स, सिक्स सिक्स टू जा ट्वेल्व, माइनस टू सिक्स फाइव जा, थर्टी रो जीरो टू करे। ओके, जीरो जीरो जीरो, माइनस 20 और ये कितना माइनस हो गया। 50 अब बोलो इसमें कुछ भी डाउट है। नहीं सर। रुक जा रुक कर दे। इधर लिख लेंगे पहले इसको, क्या क्या करे तुम, पहले रो वन को चेंज करें, तो कैसा चेंज करें, रो वन प्लस रो टू कर लिए, फिर ये रो टू उसके बाद रो थ्री चेंज करें, रो थ्री को चेंज कैसा करें चेंज करें, थ्री रो माइनस रो वन सिक्स। माइनस रो थ्री माइनस सिक्स रो टू। ओके, यहां तक समझ में आ गया ना, यस सर। तो अब प्लेस कर दो, 105 10 फाइव 1 0 1 0। फाइव 10 ओके, नेक्स्ट 0 1 2 5 नेक्स्ट 0 0 -25 -50 ओके, यस सर। तो अभी नेक्स्ट क्या कर सकते हैं बोलो। अब अभी नेक्स्ट सर क्या करना सुबह है से अपने को, टेबल टेबल इसको कट जो कर है दिया सर सो, आपने। क्या बोले, हाँ आप वो टेबल जो तो बनाए थे ना आप, हाँ नहीं, वो वो आप टेबल डिलीट कर दिमाग में दीजिए याद सर। रहे ना अपने को। अच्छा, टेबल में यहाँ पर लिख अच्छा देता सर हूँ, 1 0 0 0 1 0 जीरो जीरो वन एक्स वाई जेड। ओके अब क्या करना सर। है, ये 25 को, 25 को 1 बनाना है प्लस 1 कैसा बनाते हैं, 25 नहीं, आर बाई थ्री, बाई आर थ्री बाई माइनस 25। बाई 25 तो अब ये क्या हो जाएगा देखो, 1 0 5 10 10 0 1 2 जीरो 5 वन टू फाइव जीरो 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 कितना वन हो माइनस गया, ये प्लस टू माइनस टू टू को सर प्लस। टू 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 सॉरी यस सर। अब यहाँ तो इजी हो गया ना ये, क्योंकि ना विद द हेल्प ऑफ दिस वन अगेन यू नीड टू डू 2 0 एंड 5 0। यस सर ओके, यस सर। इसके लिए क्या कर रहे हैं अपन, रो वन ले लेंगे पहले, सो व्हाट इज रो वन, वन 105 10 जीरो फाइव टेन, देन नेक्स्ट
तो इसको फाइव को जीरो करने के फाइव लिए क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, फिर 5 × R3 इज इक्वल्स टू 5 0 0, माइनस वाई फाइव आता ना जीरो सर, जीरो यस यस 5 1 जा माइनस 5, 5 2 जा फाइव माइनस 10 10 वन 1 जीरो 0 0 जीरो 0 जीरो अभी R2 भी कर लेंगे. सो व्हाट इज आर यस सर, टू 0 1 2 5 और किसकी मदद से कर रहे हैं? R3 की. R3 की लेकिन R3 ये टू माइनस है, टू 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 को जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस टू जीरो -2. सो 2 0 जा जीरो जीरो माइनस जीरो टू जीरो सर 0 आता। टू जा ओके 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 2 2 जा 4 माइनस 4 0 1 जीरो वन 1 जीरो 0 1। ओके सर तो आप किसको चेंज करें? तुम सबसे पहले R1 को अब चेंज करें. तो R1 और R2 को कर रहे थे। R1 -5 R3, R2 R3 फिर R2 को चेंज करें. कैसा करें? R2 माइनस 2 R3 ओके यस सर तो क्या हो गया ये बोलो. वन 1 0 0 0 और R2 जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो फिर R3. जीरो जीरो 1 2 ओके अब ये देख ले के बाद में इसको कंपेयर कर लेना इससे. यस सर तो इसे कंपेयर करें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? जीरो देयर फॉर एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, वाई इज वाई इज इक्वल्स टू इक्वल्स वन टू जेड जेड इज इक्वल्स टू टू इज इक्वल्स टू. ओके यस सर समझ में आ गया ये? यस सर